हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ जॉक चैनल, आपका अपना चैनल। तो एक बार फिर से पग स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज हम दो अलग अलग तरीके के पग आपके पास लेके आए हैं, एक पेट क्वालिटी है और एक पंच फेस में शो क्वालिटी। और दोनों में अंतर क्या क्या है या पेट क्वालिटी शो क्वालिटी में क्या भिन्नताएं होती हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये दो बच्चे जो आप देख रहे हैं, दोनों में दोनों ही बच्चे फॉन कलर के, बट दोनों के कलर में बहुत ही ज्यादा अंतर है। एक लाइट शेड का पपी है, एक डार्क शेड का पपी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर पग में बेसिकली देखा जाता है वो है अंडर नोज, जिसको सुंदरता के विषय में बहुत अच्छा माना जाता है। बट ये वाला जो पपी है, जब आप एंशियंट पग देखेंगे, यानी कि 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले के पग, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ करते थे। ये ब्रीडर्स ने ब्रीड कर करके आज पग को पूरा ही अंडर नोज जैसा बना दिया है। और अंडर नोज का होने की वजह से इनमें अधिकतर सांस लेने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाला पग भी अच्छा है, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं। क्वालिटी की बात करें तो टेल पे डबल रिंग होनी चाहिए। देखिए, इस वाले पग पे भी डबल रिंग है और इस वाले पग पे भी डबल रिंग। पग चाइना की ब्रीड है और यूजुअली इनका यूज घर में एज अ पेट किया जाता है। अब लोग कहेंगे पग को पाल के क्या फायदा, ये भौंकते नहीं है, ये दूसरों को डराते नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं करते, ये गार्डिंग नहीं करते। तो जिस तरीके से आपको मछली पाल के कोई बहुत विशेष फाइनेंशियल लाभ नहीं होता, या मछली किसी को नहीं डराती, या खरगोश किसी को नहीं डराता, उसी तरीके से पग को रखा जा सकता है। और ये बहुत अच्छे से बंदरों को भगा सकते हैं। जिनको ऐसा लगता हो कि घर में बंदरों को भी ये भगा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये बच्चे बंदरों को बिल्कुल आराम से भगा सकते हैं थोड़े बड़े होने पर। और चूहे वगैरह घर में नहीं आते, चूहों को ये पकड़ लेते हैं, खेलते हैं, खाते नहीं है। और इनको गाड़ियों में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। जो फेवरेट फ्रूट होता है दोस्तों, वो होता है पपाया और मैंगो, यानी कि आम और पपीता। आम और पपीता गर्मी के दिनों में आप खूब इनको दें, ये जितना खाएंगे, बल्कि इनको क्या, हर एक डॉग को ये दोनों फल बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। क्या नहीं देना चाहिए, साइट्रिक एसिड वाले कोई भी फल इनको, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, फलसा या खट्टी कोई भी चीजें आप इनको ना दें, वो इनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मीठा या नमक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, मीठे से हेयर लॉस होगा, स्किन इन्फेक्शन होंगे, बाल झड़ेंगे जगह जगह। नमक से इनके दांतों में रेबीज बनता है और इन्हें बहुत सारी किडनी, लीवर फेल्योर, हार्ट डिजीज, आंखों में से कीचड़ आना, बहुत सारी चीजों को होने का कारण नमक बन जाता है डॉग्स के शरीर में। तो मीठा या नमक बिल्कुल ना दें। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम अंडा दे सकते हैं, तो मेरा खास तौर पे आपको सुझाव है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक अंडे अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, बट उसका पीला वाला हिस्सा, यानी कि यॉर्क जिसको बोलते हैं, पीला पदार्थ, वो निकाल के सिर्फ सफेद हिस्सा दीजिए, तो इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इतने छोटे बच्चे को सेरेलेक और किसी भी अच्छी कंपनी का स्टार्टर दिया जाना चाहिए। पग यूजुअली हमारे यहाँ 15,000, 14,000, 12,000, 20,000, 18,000 से लेके 25,000-26,000 रुपए तक मिलते हैं, जैसे जिनकी अलग अलग क्वालिटी हो। जैसे ये दो आप बच्चे देख रहे हैं, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। एक ही ले, मेरे हिसाब से क्वालिटी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे की एक्टिविटी को देख के लें। जो पपी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो पपी दूसरे पपीज की तुलना में कम बीमार पड़ता है, या फिर यूं कहें ना के बराबर पड़ता है। तो वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए, क्योंकि वीडियो में आवाज ना है इसलिए फैन ऑफ करना पड़ा है, यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन आने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपने फोन पे मिल जाए करें। वीडियो में जो भी चीजें आपको अच्छी लगी या जो चीजें आप और जानना चाहते हैं, प्लीज डू कॉमेंट, और कॉमेंट करके हमें बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।